आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। यातायात के नए नियम कल से होंगे लागू। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर ₹5,000 का चालान कटेगा। हर घर पोषण का त्यौहार थीम पर आधारित राष्ट्रीय पोषण माह कल रविवार से शुरू होगा। प्रदेश में शुरू की जाएगी 7वीं आर्थिक गणना। नागरिकों से सही जानकारी देने की अपील। और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी, वहीं कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। देश में कल से यातायात के नियमों में कई बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि कई गुना किए जाने का प्रावधान किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर यातायात के नए नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर चालान की राशि को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹5,000 किया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने पर अब ₹10,000 का जुर्माना होगा। स्वीकृत गति से तेज वाहन चलाने के मामले में जुर्माना राशि को ₹500 से बढ़ाकर ₹5,000 किया गया है। आपात सेवा के काम में लगे वाहनों को गुजारने के लिए जगह नहीं देने पर ₹10,000 का दंड भरना होगा। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर ₹5,000 का जुर्माना देना होगा। बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर ₹1,000 जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने संबंधी कानूनों को भी कठोर बनाया गया है। दूसरी ओर कल से बैंकिंग नियमों में भी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इनमें बैंक खाते से ₹1 करोड़ से अधिक की निकासी करने पर TDS की कटौती करने जैसे कई बदलाव लागू हो जाएंगे। देश भर में कल से राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो रहा है। 30 सितंबर तक मनाए जाने वाले पोषण माह की टैगलाइन हर घर पोषण का त्यौहार रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य 5 वर्ष तक के बच्चों, किशोर बालिकाओं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है। इसके अलावा अनीमिया की कमी को दूर करने के लिए आयरन की गोली और खाद्य विविधता संबंधित उपाय भी किए जाएंगे। अभियान में जिला, विकासखंड और आंगनवाड़ी स्तर पर पोषण जागरूकता और इसे जन आंदोलन का रूप देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम होंगे। पोषण माह में होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपडेट की जाएगी तथा वेबसाइट के माध्यम से इसकी रोजाना समीक्षा भी होगी। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने नए उपभोक्ता संरक्षण कानून, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बच्चों को पौष्टिक आहार देने के संबंध में 3 सितंबर को राज्यों के मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में इन मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय पर विचार किया जाएगा। साथ ही पोषक तत्वों वाले चावल को राज्यों में वितरित किए जाने वाली पायलट योजना पर भी चर्चा की जाएगी। हाल ही में अधिसूचित किए गए नए उपभोक्ता संरक्षण कानून को लागू करने और एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन पर भी बैठक में विचार विमर्श होगा। प्रदेश के मुरैना जिला मुख्यालय पर कल पहला परिवार आनंद सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के संयोजक और मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान के मास्टर ट्रेनर डॉक्टर सुधीर आचार्य ने बताया कि सम्मेलन में 80 परिवार शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि टूटते बिखरते परिवारों और पति पत्नी के आपसी संबंधों में बढ़ती दरार के प्रति चिंता जाहिर करते हुए मध्य प्रदेश आध्यात्म विभाग राज्य आनंद संस्थान ने नवाचार करते हुए सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत मुरैना से की जा रही है। बाद में यह सम्मेलन सभी जिलों और तहसील स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लगभग 3 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस पर 15,100 करोड़ से अधिक खर्च होंगे। यह स्वीकृति आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में आयोजित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक में दी गई। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बैठक में मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु सहित 10 राज्यों से मिले मकान निर्माण संबंधी 865 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। चंद्रयान-2 चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में पहुंचने के लिए तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने बताया कि कल अंतिम चरण में चंद्रयान-2 को चंद्रमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर ले जाने की योजना है। इसके बाद 2 सितंबर को यान का लैंडर और रोवर ऑर्बिटर से अलग हो जाएंगे। यान को 7 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके पहले कल 30 अगस्त को चंद्रयान-2 को चंद्रमा के वृत्ताकार पथ पर पहुंचाया गया था। इसमें 1155 सेकंड का समय लगा। यह समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in देख सकते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। अब आप प्रसार भारती के आधिकारिक ऐप newsonair पर भी समाचार लाइव सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2019 के लिए सातवीं आर्थिक गणना का कार्य कल से प्रारंभ हो जाएगा। यह दिसंबर माह तक चलेगा। गुना जिले में कलेक्टर ने नागरिकों से गणना के लिए सही जानकारी प्रदाय करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि आर्थिक गणना के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए नीति निर्माण में सहयोग करेगी। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कलेक्टर ने बताया कि नागरिकों द्वारा दी जाने वाली जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने आर्थिक गणना के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों को सहयोग करने की अपील नागरिकों से की है। आगरमालवा और अशोकनगर जिले में आर्थिक गणना का सर्वेक्षण कार्य 2 सितंबर से शुरू होगा। राज्य शासन द्वारा अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों और अन्य संविदा कर्मियों के संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए पूर्व में गठित उप समिति में संशोधन कर नई समिति बनाई गई है। मंत्री परिषद की सहायता के लिए बनाई गई यह समिति ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार करेगी जो स्थायीकरण और अन्य मांगों से संबंधित हैं तथा जिनके शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। प्रदेश में आपदा आपातकालीन मोचन बल के संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को लेकर दिए गए मौखिक निर्देश से नाराज होकर संविदा कर्मचारियों ने गृह मंत्री बाला बच्चन को ज्ञापन सौंपकर संविदा अवधि बढ़ाने की मांग की है। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने आज भोपाल में प्रेस विज्ञप्ति द्वारा यह जानकारी दी। प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को रियायती ब्याज पर दो पहिया वाहन के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने समिति गठित की है। यह समिति सब्सिडी की दर निर्धारण कर और निशुल्क पंजीयन की प्रक्रिया का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा देगी। समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों में बारिश हुई। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि खंडवा में 242 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा हटा में 130 मिलीमीटर, जैतपुर में 90, खकसार में 80, कुरवाई और नेपानगर में 70, खरगोन में 61, खाचरौद में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि पूर्वी मध्य प्रदेश पर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है और द्रोणिका प्रदेश के गुना से होकर गुजर रही है। इससे प्रदेश में अभी और बारिश होगी। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही रायसेन, राजगढ़, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, कटनी, मंडला, धार, उज्जैन, देवास, विदिशा, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर और होशंगाबाद जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के सभी 16 जिलों में 2 सितंबर गणेश चतुर्थी और 10 सितंबर मुहर्रम सहित सभी अवकाश के दिनों में बिजली बिल भुगतान केंद्र खुले रहेंगे। देवास स्थित बैंक नोट मुद्रणालय ने 16 अगस्त से आयोजित स्वच्छता पखवाड़े का आज समापन कर दिया है। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से स्वच्छता जागरूकता का संदेश दिया गया। मुरैना जिले के बामौर तहसील भवन का आज भूमि पूजन हुआ। यह भवन 5,63,00,000 की लागत से निर्मित होगा। टीकमगढ़ में आयोजित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का कल समापन होगा। राज्य के तकनीकी शिक्षा और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति और वेतन निकालने की नई व्यवस्था का कर्मचारी संघों ने विरोध किया है। इसको हटाने के लिए आंदोलन की चेतावनी भी दी है। खंडवा जिले के विभिन्न गाँवों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसानों को उन्नत खेती के बारे में जानकारी देने के साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया। रूस में 30 सितंबर से आयोजित जूनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 19 बालक युगल वर्ग में धार के यश रायकवार भारतीय बैडमिंटन दल का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैतूल जिले के शाहपुर में 3 सितंबर को आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विकास खंड स्तरीय शिविर आयोजित किया जाएगा। झाबुआ जिले के ग्राम रोटला में आज पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने 5,71,00,000 रुपये की लागत से निर्मित कन्या शिक्षा परिसर भवन का लोकार्पण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यातायात के नए नियम कल से होंगे लागू। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का चालान कटेगा। हर घर पोषण का त्यौहार थीम पर आधारित राष्ट्रीय पोषण माह कल रविवार से शुरू होगा। प्रदेश में शुरू की जाएगी सातवीं आर्थिक गणना। नागरिकों से सही जानकारी देने की अपील। और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। वहीं कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आकाशवाणी भोपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:05 पर। नमस्कार।